नोएडा में आशियाने का सपना दिखाकर आम लोगों की मेहनत की कमाई ठगने वाले बिल्डरों की अब खैर नहीं, क्योंकि धोखेबाज बिल्डरों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब सख्त हो गए हैं। अब ना धोखेबाज बिल्डर बचेंगे, ना उन्हें सह देने वाले अफसर। उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों की मनमानी नई बात नहीं है। ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी में तो बिल्डरों ने नियम कायदे को ठेंगा दिखाकर हजारों फ्लैट बना डाले, कंक्रीट की अवैध कॉलोनियां बसाकर हजारों जिंदगियों को दांव पर लगा दिया। लेकिन शाहबेरी में अवैध तरीके से इमारतें खड़ी करने वाले बिल्डरों पर योगी सरकार सख्त हो गई है। बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के अफसरों के साथ बैठक की। इस बैठक में सीएम योगी ने शाहबेरी में अवैध रूप से इमारतें बनाने वाले 30 बिल्डरों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बाकी जो भी बिल्डर्स इस प्रकार से हैं, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सभी के ऊपर रिव्यू करके सबके लिए आदेश दिए हैं, तो अथॉरिटीज को निर्देश दिए गए हैं कि उसको पूरा सबको देख लें कि कौन कौन से बिल्डर्स ने जो घपला किया है, घोटाला किया है, उनके साथ चीटिंग करी है, और जो आज भी उस स्थिति के अंतर्गत नहीं है, जो बायर्स को मकान दे सके, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। धोखेबाज बिल्डरों पर कार्रवाई के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने शाहबेरी में हुए निर्माण की जांच के भी आदेश दिए हैं। सीएम योगी ने अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार अफसरों पर भी कार्रवाई करने को कहा है। बैठक में सीएम योगी ने कहा कि 2014 के बाद जितने भी निर्माण कार्य किए गए हैं, उनके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की सूची बनाकर कार्रवाई की जाए। ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी में 25,000 परिवार अवैध इमारतों में रह रहे हैं। इमारतों में बने घरों की रजिस्ट्री भी हो चुकी है। लोगों का आरोप है कि अगर इमारतें अवैध थीं, तो फिर रजिस्ट्री क्यों हुई। पिछले साल शाहबेरी में 2 इमारतें भरभराकर गिर गई थीं, जिसके मलबे में दबकर 9 लोगों की मौत हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।